कांगड़ा जिला में टीवी उन्मूलन और एचआईवी से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान का आरंभ मैराथन के साथ किया गया, जिसमें युवाओं ने टीवी उन्मूलन और एचआईवी से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया। सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर सुशील शर्मा ने मैराथन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और बाद में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ये जो रेड रन मैराथन 5 किलोमीटर की धर्मशाला में आयोजित की गई है, इसमें जो जिला कांगड़ा के रेड रिबन क्लब के जो लगभग 100 युवा छात्र जो हैं वो भाग ले रहे हैं, और साथ ही जो स्थानीय कॉलेज के जो है वो लगभग 50-60 बच्चे और भी जो है इसमें भाग ले रहे हैं। तो इसका जो उद्देश्य है वो है कि टीबी और एचआईवी जो दो ज्वलंत समस्याएं हैं हमारी, उसको लेकर लोगों में जागरूकता लाना है, और इस मैराथन के द्वारा हम युवाओं के माध्यम से युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग मिलकर बदलाव ला सकते हैं। और अभी अगले हफ्ते यूनाइटेड नेशंस में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल मीटिंग ऑन टीबी, यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल मीटिंग ऑन एड्स। तो उसके संदर्भ में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधि है, और जो टॉप 10 जो हमारे विजेता होंगे वो पहली तारीख को शिमला में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे, और जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता होंगे वो गोवा में राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता है उसमें भाग लेंगे। और जिला से विभिन्न कोनों से हमारे जो रेड रिबन क्लब के युवा साथी अपने नोडल ऑफिसर्स के साथ आए, और सीएमओ साहब ने हमारी जो ये मैराथन है इसको फ्लैग ऑफ किया, और ये जो जिला स्पोर्ट्स अधिकारी के सहयोग से ये बहुत जो मैराथन का संचालन किया गया है। तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास है, जिला में पहली बार इन सामाजिक समस्याओं को लेकर एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, और मैं चाहूँगा अपने मीडिया के साथियों से कि आपके माध्यम से भी ये बात लोगों तक पहुँचे कि हम सब लोग खुलकर बात करें, जो टीबी और एड्स के साथ जो भ्रांतियाँ जुड़ी हैं उन भ्रांतियों को दूर करने में हम योगदान दें, खुली चर्चा करें। जब भ्रांतियाँ दूर होंगी तभी हम जो है एक सुनहरे भविष्य का सपना ले पाएंगे। जिस प्रकार से हम सब लोगों ने पोलियो उन्मूलन किया है, उसी प्रकार से हम टीबी और एड्स के भी उन्मूलन के प्रति अग्रसर हैं। विजेताओं को निश्चित तौर पर हम सम्मानित भी करेंगे, और इनके लिए कैश प्राइज भी हैं मोमेंटो के साथ, और साथ में जो विजेता हैं वो एक हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आगे उभरेंगे, कि वो जो हैं एक जो संदेश है कि टीबी के मरीज से और एड्स के मरीज से भेदभाव ना करो, उसको लेकर भी वो आगे जो है समाज में आगे आएंगे रोल मॉडल के रूप में। तो हमारा जो गतिविधियां हैं वह तो साल भर जारी रहती हैं, जो हमारे रेड रिबन क्लब हैं वो बहुत ही डायनामिक यूथ एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं, और ये जो युवा शक्ति है हमारी वो डेफिनेटली देश में बदलाव की ओर अग्रसर है। साथ ही हमारा आयुष्मान भव अभियान चला हुआ है, और उसमें स्वच्छता की शपथ भी आज दिलाई गई है। तो जो जितने भी सामाजिक कार्य हैं उसमें युवा हमारे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, और स्वास्थ्य विभाग को एक फख्र की बात है कि हम भी इस मुहिम में जो है एक कैटलिस्ट का रूप निभा रहे हैं, युवाओं की जो प्रतिभा है उसको निखारने में हम भी अपना छोटा सा योगदान दे रहे हैं। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से रिपजित निपी की रिपोर्ट।